देश के अलग अलग हिस्सों से श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही हैं, जिनमें मजदूर और तमाम वो यात्री जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनको उनके गृह राज्य ले जाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की ट्रेनें चल रही हैं। तो इन ट्रेनों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये ट्रेनें हम कह सकते हैं ऐसी ट्रेनें हैं जो साधारण ट्रेनें हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एसी ट्रेनें नहीं चल रही हैं। और इस तरीके की जब ट्रेन एक जब कहीं पहुंचती है तो पूरी तैयारी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि जो लोग इस ट्रेन में बिठाए जाते हैं उनको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हेल्थ चेकअप किया जाता है, और उसके बाद जब वो कहीं पर पहुंचते हैं तो वहाँ पूरी तैयारी। ये देखिए जिस तरीके से ट्रेन पहुँच रही लखनऊ, इसी तरीके की तमाम ट्रेनें यानी साधारण क्लास की जो ट्रेनें हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है। उन्हीं को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की ट्रेनें हैं, और इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो अमला है, जो सरकारी अमला है, अगर हम उसकी बात करें, रेलवे की बात करें, तो सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को सही जगह पहुँचाया जाए, साथ ही साथ उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कोरोना वायरस संक्रमण ना हो। लेकिन इन सब के बीच अगर हम श्रमिक स्पेशल की बात करते हैं तो इसको लेकर सियासी भूचाल शुरू हो गया है। इस समय की बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 13 और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सुबह सुबह कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बयान जारी करके एक भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर जो राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको दिखाया जा रहा है कि उनके लिए सरकार बहुत भला कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन मजदूरों को जो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनको लेकर कांग्रेस ने जो बयान जारी किया उसमें ये कहा गया कि जहां एक तरफ आप अमीर लोगों को हवाई जहाज से लाते हो, मुफ्त में लाते हो, तो वहीं देश के मजदूर और किसानों को आप उनसे रेलवे का किराया वसूल रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, वो आफत में है, परेशानी में है, एक लंबे समय से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है, उसके बाद ये पैसा वसूला जा रहा है, वो गलत है। और इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्षा ने घोषणा की कि उनकी पार्टी इन मजदूरों का किराया वहन करेगी। लेकिन इस पूरे मसले की सच्चाई क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं हुआ क्या। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा ने जब यह बयान दिया उसके बाद हम कह सकते हैं पूरे देश भर में सियासी भूचाल आ गया और तमाम तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है कि किस तरीके से जो ये मजदूर हैं जो भुखमरी का शिकार हैं उनसे पैसा वसूलना वाकई मूर्खतापूर्ण काम है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट किया गया जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीयूष गोयल ऑफिस से उन्होंने बात की और गवर्नमेंट जो है 85% पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट 15% वहन कर रही है, और इस तरीके से जो लेबर है वो फ्री जाएगा और मिनिस्ट्री विल क्लेरिफाई विद एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन आखिरकार ये बात आई कहाँ से कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर रही है? तो आइए हम आपको बताते हैं इस मामले पर नज़र रखने वाले एक पत्रकार की बात हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ABP न्यूज के ये पत्रकार हैं रविकांत जी, ये खबर रखते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, उस पर इन्होंने ये ट्वीट किया है। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके किराए का 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% राज्य सरकार। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 85% सरकार वहन कर रही है इसका ब्रेकअप क्या है, ये कैसे बनता है। रेलवे का कहना है कि 50% तो हम वैसे भी यात्री किराए में छूट देते हैं, उसमें अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रियों को छोड़कर खाली लौटती ट्रेनों का जो घाटा है वो जोड़ दीजिए, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सीटों का जो नुकसान हो रहा है उस घाटे को भी जोड़ दीजिए, तो ये कुल कॉस्ट का 85% हो जाता है। चूंकि रेलवे भी सरकार की संपत्ति है, सरकार का वेंचर है, तो ये 85% घाटा ही दरअसल शेयर के रूप में दिखाया जा रहा है कि ये सरकार वहन कर रही है, जो कि टेक्निकली ठीक भी है। जो बाकी 15% है वो किराए के रूप में टिकट पर दर्शाया जा रहा है और बल्क में ये टिकट राज्य सरकार को रेलवे दे रही है और उसके एवज में पैसे ले रही है।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तकनीकी पॉइंट है ये, कि किस तरीके से जो सब्सिडी दी जाती है उसको दिखाया जा रहा है कि जब ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो जाने का तो किराया आपको देना ही होता है, लेकिन ट्रेन अगर आप हायर करके लेके जाते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जब वापस आएगी तो वापस खाली आएगी, तो खाली ट्रेन का भी किराया आपसे लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही कैलकुलेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 85% तो हम वहन कर रहे हैं, 15% राज्य से कहा गया है। जब कांग्रेस ने इस तरीके का हमला बोला उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जो तमाम मजदूर वहाँ से आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका उन्होंने जो किराया दिया है वो तो हम वापस करेंगे ही करेंगे, नीतीश कुमार ने कहा, और क्वारंटाइन में रहेंगे जब वो उसके बाद जब जा रहे होंगे तो उनको 500 रुपये भी देंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से मजदूरों के हितैषी बनने की बात दिख रही है। हर एक पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हमें जो है इनका हितैषी बनना चाहिए। तो कुछ यही चीज़ नज़र आती है और यही पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। चलिए एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रेलवे का पक्ष क्या है। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का पक्ष देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे ने जो जब ये ट्रेनें चल रही थीं तो उस समय क्या किराए की क्या बात कही गई थी। जब किराए की बात हम करते हैं तो स्पेशल ट्रेनों के किराए के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ था, ये सर्कुलर 1 मई को जारी हुआ था, 1 मई से ही ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अलग अलग देश पार्ट से जो ट्रेनें चलेंगी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर उसका किराया कैसे तय होगा। तो सीधे सीधे लिखा गया है कि फेयर फॉर स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स सुपर फास्ट चार्जेज लिए जाएंगे, एडिशनल चार्जेज 20 रुपये, यानी 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा जो भी चार्जेज होते हैं, और ये जो फेयर हैं ये 1 मई से अप्लीकेबल हैं। तो एक सर्कुलर ये है। चलिए अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से क्या क्या रखा जाएगा, यानी अगर हम पूरी बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किराए तय किए जाएंगे। किराए तय करने की बात जब हम करते हैं तो पूरी गाइडलाइन बनी है। ये देखिए हम आपको गाइडलाइन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या होगा। तो रेलवे ने तय किया कि जो राज्य सरकारें हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगी, यानी जिस राज्य से जिस राज्य में जाना है, मान लिया मुंबई में कोई आदमी फंसा है बिहार का है, तो बिहार की सरकार मुंबई यानी महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि इन लोगों को आप जो है ट्रेन में भेजो। और ट्रेन जब पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी कितने लोग हैं तो बिहार की सरकार रिक्वेस्ट किससे करेगी, रेल मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से उनके नोडल ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी और वो ट्रेन देंगे। लेकिन किराया कैसे तय किया जाएगा, क्या क्या होगा, उसके लिए पूरी गाइडलाइन बनी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या गाइडलाइन तय हुई, क्या क्या हुआ। यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड पर्सन्स बाय श्रमिक स्पेशल ट्रेन, और इसमें MHA के आदेश का हवाला दिया गया कि किस तरीके से क्या क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया ऑल स्टेट्स UT सेल डिजिग्नेट नोडल अथॉरिटीज, यानी नोडल ऑफिसर होने चाहिए और उसका डिजिग्नेट कर दिया जाना चाहिए, तय कर किया जाना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। और कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी लिस्ट दी गई रेलवे के ऑफिसर्स की तरफ से, साथ ही साथ जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं तो म्यूचुअली एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई स्टेट कह रहा नहीं हमारे यहाँ रेलवे नहीं आनी चाहिए और यहाँ से रेलवे भेज दी जाएगी, ऐसा नहीं। तो ट्रेन जब जानी है तो दोनों राज्यों में आपस में सहमति भी होनी चाहिए, ये चीज़ कही गई है। और एक और चीज़ कही गई है, द ओरिजिनेटिंग स्टेट विल फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल ट्रेन इन कंसल्टेशन विद रिसीविंग स्टेट्स, यानी आपस में बात करेंगे कितनी ट्रेनें चाहिए, क्या चाहिए, वो प्लान करके रेलवे को बता देंगे। और रेलवे क्या करेगा, अगर उसके पास रोलिंग स्टॉक होगा, ट्रेन होगी, तो ट्रेन देगा। अब एक और चीज़ कही गई, श्रमिक स्पेशल में क्या क्या चीज़ें होंगी, ईच श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेल बी अ नॉन स्टॉप ट्रेन, यानी ये ट्रेन नॉन स्टॉप होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, एक जगह से जाके दूसरी जगह रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। और फिर क्या है, नॉर्मली द श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स विल बी रन फॉर डिस्टेंसेज मोर देन 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ज़्यादा के जो दूरी होगी उसी के लिए चलाई जाएंगी। दीज ट्रेन्स विल नॉट स्टॉप एट एनी इन बिटवीन स्टेशंस बिफोर द डेस्टिनेशन स्टेशन, जो डेस्टिनेशन तय होगी उससे पहले ये कहीं नहीं रुकेगी। द ट्रेन विल ट्रेन विद फुल लेंथ कंपोजिशन विद सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 24 डिब्बे की ट्रेन होगी और उसमें करीब 1200 यात्री ही ले जाए जा सकेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी ट्रेन की 90% से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। एक और शर्त लगाई गई कि 1200
मैक्सिमम है, और लेकिन 90% से कम ऑक्यूपेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी हम ट्रेन देंगे। अब इसके बाद क्या है, कंसेंट ऑफ द रिसीविंग स्टेट शैल बी ऑब्टेंड बाय ओरिजिनेटिंग स्टेट एंड कॉपी प्रोवाइडेड टू रेलवेज बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन। तो दोनों की सहमति का कागज भी देना चाहिए कि वो तैयार हैं, बाद में ये नहीं कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि अब हमारे यहाँ तो आपने कोरोना वायरस संक्रमण फैला दिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए रेलवे ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि दोनों की जो चीज़ें होंगी वो उनके पास होनी चाहिए। फिर क्या है, लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स भी दी जाएगी, और COVID-19 के जो मरीज होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी और साथ में दिया जाएगा कि कोई भी पैसेंजर इसमें COVID-19 वाला नहीं है, और कोई पैसेंजर ऐसा पाया जाता है जिसमें लक्षण पाए जाते हैं तो उसको हम उतार देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। द स्टेट्स एंड यूटी फॉलोइंग ऑन द ट्रांजिट रूट विल इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ द श्रमिक स्पेशल। तो कहीं झगड़ा टंटा ना हो तो इसके लिए दोनों जो बीच वाली स्टेट हैं वो एक तरीके से परमिट करेंगी कि आराम से वो ट्रेनें जाएं। इसके अलावा क्या है कि ओरिजिनेटिंग स्टेट अथॉरिटी शैल ब्रिंग द पैसेंजर टू रेलवे स्टेशन। जहां पर जिस स्टेट से वो आ रहे हैं वहां की सरकार की जिम्मेदारी होगी, वो लेके आए स्टेशन पर और सारे नॉर्म्स को फॉलो करें, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो नॉर्म्स तय किए वो फॉलो होने चाहिए। ओरिजिनेटिंग स्टेट विल प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी एट द डिजिग्नेटेड स्टेशन। वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ भीड़ जमा हो गई, बवाल हो जाए। और कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं कि टिकट स्टेशन पर मिलेगा, नहीं, ये बात देखिए 11 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, एज दीज श्रमिक स्पेशल ट्रेन आर बींग रन बाई रेलवेज ओनली फॉर दोज पर्सन हु हैव बीन क्लियर्ड बाई ओरिजिनेटिंग स्टेट इन कंसल्टेशन विद रिसीविंग स्टेट एंड नॉट फॉर जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए हैं। तो मेथोडोलॉजी तय की गई, तरीका तय किया गया कि टिकट कैसे बिकेंगे, ये देखिए। तो टिकट बिकने के लिए या देने के लिए क्या तरीका है, जो ओरिजिनेटिंग स्टेट होगा विल इंडिकेट द एग्जैक्ट, पूरा नंबर बताएगा कितने हैं और कैपेसिटी के हिसाब से वो बताएगा कौन कौन लोग जाने हैं। फिर उसी हिसाब से रेलवे प्रिंट करेगी टिकट को जिस डेस्टिनेशन पर जानी उसके लिए, और जितने पैसेंजर उतने ही टिकट प्रिंट होंगे। फिर क्या है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी सेल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाई देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। इसी लाइन में हम कह सकते हैं पूरा विवाद छिपा हुआ है, यानी जो भी स्टेट है वो मजदूरों से एक तरीके से किराया लेगा और उसको रेलवे को सौंप देगा, ये बात कही गई, और इसी में सारा का सारा बवाल छिपा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रेलवे की जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें मजदूर कह रहे हैं कि हमने टिकट लिया है, पैसा दिया है, तो ये बात कहीं ना कहीं शुरू में कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये कहा जा रहा था स्टेट देगा, तो निश्चित तौर पर स्टेट को ही देना है, लेकिन स्टेट को एक राय भी दी गई है कि वो जो है मजदूरों से वसूल ले, तो इसी को सारे स्टेट कर रहे हैं और वो किराया वसूल रहे हैं। लेकिन जब ये पूरा भूचाल आ गया, सियासी भूचाल आ गया, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, उसके बाद पांव तले जमीन खिसकती हुई नजर आई। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो अभी तक गोलमोल रवैया है, अभी तक कोई बयान नहीं आया है, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि रेलवे का कहना है कि हमने तो जो करना था वो सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी भी यात्री से किराया वसूलेंगे नहीं, और हम कहीं टिकट नहीं बेच रहे हैं, हम तो स्टेट गवर्नमेंट को टिकट दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इस तरीके की आगे राजनीति ना हो, साथ ही साथ जो मजदूर हैं कहीं उनका हित जो है गड़बड़ाए ना, साथ ही साथ लोगों में कहीं अविश्वास ना पैदा हो जाए। तो विश्वास पैदा करना सरकार का काम है और सरकार को ये सारे कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर करने चाहिए, और इस पर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।